हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में केस स्टडीज़ को, जो कि आपकी यूनिट सेकंड पर बेस्ड रहेगी। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं, जिसमें मैंने आपको केस स्टडीज़ यूनिट 1 के बेसिस पर समझाई थी। अब जो केस स्टडीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो प्रिंसिपल के ऊपर आएंगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। ओके, तो थोड़ी सी ज़्यादा इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहली हमारी आज की ये केस स्टडी नंबर 4 है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली केस स्टडी को। देखिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। हीना एंड हरीश आर टाइपिस्ट। हीना और हरीश एक टाइपिस्ट हैं एक कंपनी में, मतलब उनकी टाइपिंग जॉब है। उनके पास सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, बट फिर भी हीना को तो मिलते हैं 3000 पर मंथ और वहीं हरीश को मिलती है सैलरी 4000 पर मंथ। तो ये तो एक तरीके से इक्वालिटी नहीं हो रही है ना कंपनी में। दोनों की जॉब भी सेम, दोनों की जॉब भी टाइपिस्ट की, दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम, फिर भी दोनों को सैलरी अलग अलग मिल रही है। और जबकि उनके वर्किंग आवर्स भी सेम है, वो दोनों सेम टाइम तक वर्क कर रहे हैं, सेम टाइम तक अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या चीज़ पूछी गई है एक बार वो देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड इन दिस केस, मतलब इस केस स्टडी में आपका कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो फॉलो नहीं किया जा रहा है कंपनी में, तो आपको उसी प्रिंसिपल का यहाँ पे नाम बताना है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि आपको वो चीज़ क्यों लग रही है, उस प्रिंसिपल में ऐसा क्या होता है जो आपको लग रहा है कि हाँ वो यहाँ पर पूरी तरह से सुटेबल है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखो केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, नॉर्मल छोटी सी है, बस उसमें इतना ही बोला गया है कि भाई दोनों की जॉब सेम है, दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है, दोनों की पोस्ट सेम है, दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बस क्या डिफरेंस हो रहा है उनकी सैलरी इक्वल नहीं दे रहे हैं तब भी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा, आपको याद होगा मैंने आपको फ्योल के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऑनर्स को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करें, ऐसे ना करें कि किसी एम्प्लॉय को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहीं दूसरे को आप कुछ भी, मतलब कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस भी हो सकती है, बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें तो प्रिंसिपल ही बताना है। फ्योल के कुछ फिक्स प्रिंसिपल हैं, वहीं टेलर के भी कुछ फिक्स प्रिंसिपल हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा होता, नॉर्मली पूछा कि भाई मैनेजमेंट में क्या यहाँ पे हो रहा है कि जो चीज़ नहीं फॉलो की जा रही, तो आप वहाँ पे लिख सकते थे कि हाँ यहाँ पे जेंडर बायसनेस हो रही है। लेकिन आपसे क्लियर शब्दों में बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल बताना है, तो आपको प्रिंसिपल ही बताना पड़ेगा और वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, जैसे गिवन है आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। इक्विटी मतलब वही हो गया कि इक्वालिटी। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या होगी, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर होता है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को इक्वल ट्रीट करना होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं कर रहा। अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इक्वल ट्रीट करेगा तभी तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस अपने वर्क के प्रति डेडिकेट रहेंगे, जो भी ऑफिस वर्क है उसके प्रति डेडिकेशन रखेंगे अपनी। अगर उनको इक्वली नहीं करा जा रहेगा तो जिसको कम सैलरी मिल रही है वो भी काम नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो बहुत ईजी केस स्टडी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और पढ़ लेना ध्यान से, समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं, केस स्टडी नंबर 5। देखिए ये मैं बताती हूँ इसमें क्या है। मोहन है एक मैनेजर है, ठीक है। मोहन अ मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक्स पीपल एट ऑल लेवल, पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द अदर डिपार्टमेंट। मोहन है जो कि कौन है, वहाँ का मैनेजर है, एक कंपनी का मैनेजर है। वो क्या करता है कि हर लेवल पे वो किसी से भी बात कर ले रहा है अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो किसी और अदर डिपार्टमेंट के पीपल से भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आगे आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ ओवरलुक्ड एंड वाई। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है और क्यों आपको ऐसा लग रहा है। आपने ध्यान से पढ़ी केस स्टडी, उसमें आपसे बोला गया कि मोहन एक मैनेजर है जो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो इंस्ट्रक्शन दे ही रहा है, बट साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो अदर डिपार्टमेंट के लोगों को भी इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है।
तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आपका फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान होगा एक हमने स्केलर चेन का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक ऑनर को क्या करना है, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग करना है। मतलब आप एक एक करके अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पास करेंगे, लेकिन अगर आप वहीं किसी दूसरे पे एकदम से जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है ऐसा या नहीं? द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज़ वायलेटेड हियर बिकॉज इट क्रिएट डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो किसी से भी कभी भी बात कर रहा है तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ऑर्डर में नहीं चल रहा ना वो, जो भी इन्फॉर्मेशन वो पास कर रहा है या जो भी इंस्ट्रक्शन वो इशू कर रहा है वो किसी ऑर्डर में नहीं कर रहा था। जबकि स्केलर चेन में हमने क्या देखा था, इस तरह की आपकी स्केलर चेन होती थी, तो जो यहाँ पर बैठा है, फिर यहाँ एक पर्सन यहाँ था, एक पर्सन यहाँ, तो इस तरह से पर्सन्स बैठे हुए थे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसको पास करनी है तो वो पहले इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, ऐसे ही पहले फिर इसको, मतलब लाइन से सारी चीज़ें सब तक जाएंगी। पर वो क्या कर रहा है, वो कभी तो किसी से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, मतलब बिना किसी ऑर्डर के वो किसी पे भी जा रहा है और बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्केलर चेन का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है या नहीं ये बात? आप एक बार और उसको पढ़ना केस स्टडी को और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें कभी भी केस स्टडी एक बार में नहीं आती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहली बात, आपको प्रिंसिपल सारे याद होने चाहिए, प्रिंसिपल्स आपने सारे समझे होंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप एक बार जाके प्रिंसिपल्स को वहाँ से समझना, बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया हुआ है, डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। कोई भी प्रिंसिपल ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं दोबारा से उसे बता दूंगी। चाहे तो आप लोग मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोनों चीज़ पे ही आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 6। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, इन अ पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी है, वहाँ पर क्या हो रहा है, नो इम्पॉर्टेंस हैड बीन अटैच्ड टू द सजेशन गिवन बाय सबऑर्डिनेट्स। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सबऑर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ना उनके सजेशंस के ऊपर कुछ भी, मतलब उनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। फिर उस कंपनी ने क्या किया, 2012 में कंपनी ने अपॉइंट किया मिस्टर लोटस को, कंपनी ने एक और मैनेजर को, एक तरीके से हम बोले सीईओ को अपॉइंट किया, मिस्टर लोटस को वहाँ पर अपॉइंट किया गया। किस पोस्ट पर, सीईओ की पोस्ट पर। सीईओ पोस्ट हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, हम लोगों ने मैनेजमेंट में वो भी चीज़ पढ़ी थी कि सीईओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं मेंबर, तो वो टॉप लेवल के होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर लोटस अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर हैं, वो MBA हैं, उन्होंने MBA की डिग्री ली हुई है IIM अहमदाबाद से। अब वो क्या करना चाहते हैं, और उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है काम करने का, अब वो अपने ऑफिस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि भाई चाहे कोई भी बड़ा एम्प्लॉय हो या कोई भी स्मॉल एम्प्लॉय हो, हर कोई अपने सजेशन देगा किसी भी टास्क को लेकर, हर कोई अपने सजेशन देगा। उन्होंने ये चीज़ एक नई चीज़ स्टार्ट कर ली कि, यानी कंपनी में एक नई चीज़ स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मिस्टर लोटस आए हैं कंपनी में तब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, तो कंपनी में एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही थोड़े से टाइम में ही 10,000 सजेशंस के लगभग उन्हें मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मौका दिया या नहीं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मौका दिया और उन्हें लगभग 10,000 तक के सजेशंस वहाँ पर मिल गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस सजेशंस को पढ़ा, आफ्टर स्टडिंग दैम इंटेंसिवली अबाउट 1500 सजेशन, जब उन्होंने उन सजेशंस को पढ़ा तो उसमें से 1500 सजेशंस को उन्होंने अप्लाई भी कर लिया, यानी कि उन्हें 10,000 सजेशंस मिले थे एम्प्लॉयज़ से, जिसमें से उन्हें 1500 सजेशन बेस्ट लगे। आपने देखा, मतलब कहाँ तो कंपनी बिल्कुल ले ही नहीं रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये नया कदम उठाया तो उन्हें 1500 सजेशन मिले, और साथ ही साथ उसी ईयर कंपनी को 50 करोड़ तक का एडिशनल प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर कंपनी जितना प्रॉफिट पहले कमा रही थी उस पर एक्स्ट्रा 50 करोड़ का प्रॉफिट उस टाइम कंपनी ने लिया। तो ये किस लिए हो पाया पॉसिबल, जब ही तो हो पाया जब मिस्टर लोटस ने एक नया कदम उठाया, वरना कंपनी तो वही ट्रेडिशनल मेथड पे चल रही थी, लेकिन मिस्टर लोटस ने क्या किया, एक नया कदम उठाया जिसकी वजह से कंपनी में प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, राइट? अब यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल हैड बीन वर्किंग बिहाइंड मिस्टर लोटस थिंकिंग। मतलब कौन सा प्रिंसिपल मिस्टर लोटस के माइंड में था, मतलब मिस्टर लोटस किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे अपने माइंड में, उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल सोच रखा था जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। तो आपने फ्योल के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल और पढ़ा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव,
जिसके अंदर क्या होता था कि कुछ ना कुछ नए कदम कंपनी में उठाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स डिसीजन कंपनी में लेते रहना चाहिए, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो इनक्रेज हो सकें, वो वर्क कर सकें और अच्छे से। तो यहाँ पर उनके माइंड में कौन सा प्रिंसिपल चल रहा था? उनके माइंड में चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ओके, सेकंड आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज सजेशन ऑन द एम्प्लॉय। जब उन्होंने इन सजेशंस को कंपनी में अप्लाई किया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या इफेक्ट देखने को मिला? एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे पूछा है आपसे इफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट, इन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इफेक्ट हो गया कि उस चीज़ को, किसी चीज़ को अप्लाई करने के बाद उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, और अफेक्ट मतलब कोई चीज़ आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट कर गई, मतलब एक तरीके से वहाँ पे कॉज का रीज़न आ जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, वो बेनिफिट के तौर पे पूछ रहा है। ओके, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई जो मिस्टर लोटस हैं, उन्होंने जो ये इनिशिएटिव कदम उठाया, उसका इफेक्ट क्या हुआ कंपनी पर? तो कंपनी पर इफेक्ट तो हुआ ना, कंपनी ने एडिशनल प्रॉफिट गेन करा है, किया या नहीं? तो कंपनी पर इफेक्ट तो अच्छा पड़ा है। तो यहीं पे हमें आंसर देना है, सबसे पहले वाले का हमें प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमारा आंसर हो गया, क्योंकि केवल हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सेकंड में पूछा है कि आपके क्या इफेक्ट हुए, यानी कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताना है, क्या अच्छा हुआ, तो अच्छा क्या हुआ, देयर अटैचमेंट विद द कंपनी विल इंक्रीज। जब उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मौका दिया उनके सजेशन देने के लिए, तो एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ी। ज़रूरी नहीं है आप यही लैंग्वेज लिखो, आप इजी लैंग्वेज में लिखना अपने आप से। तो जब वो एम्प्लॉयज़ को मौका दे रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ, इन यूज़फुल आइडियाज़ की वजह से कंपनी में प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हुआ। आपको समझ आई ये चीज़ें? तो ये थे हमारी आज की केस स्टडी, आपको समझ आ गई होंगी, तीन ही थी, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखे क्योंकि हम एक बारी में सारी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नहीं आती समझ। तीन केस स्टडी थी, आप इनको आज ही ध्यान से पढ़ना, दोबारा से एक बार ज़रूर देखना, एक बार ही वीडियो देख लेने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि कॉपी पेंसिल ज़रूर लेकर बैठना, किसी भी केस स्टडी को जब मैं कराती हूँ तो उसका आंसर आप एकदम से मत देखा करो, वीडियो को स्टॉप करके बीच में पहले अपना आंसर सोचा करो, तब उसका आंसर मैच किया करो कि हाँ आप, मतलब मेरा आंसर आपके आंसर से कितना अलग है, और हो सकता है आपकी लैंग्वेज अलग हो बट आंसर सही हो। मेन तो यहाँ पे ये था कि प्रिंसिपल आपका सही होना चाहिए, बस प्रिंसिपल आप मिसमैच मत करो, क्योंकि वो तो फिक्स है ना। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना, आपकी केस स्टडीज़ बहुत आराम से जाएंगी, बहुत आराम से आप कर पाओगे क्रैक। और एक बार आप केस स्टडी की, मैंने कुछ टिप्स भी बताई हुई हैं आपको, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि हम लोग केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए कुछ और केस स्टडी लाऊंगी उसमें, और कंटेंट तो हमारा चल ही रहा है, सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, बट साथ में पहले हम इसकी केस स्टडी ही कंप्लीट करेंगे तभी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आए, मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है कई बार कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं पूछना चाह रहे, आपको नहीं लग रहा कंफर्टेबल, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको वहाँ भी बता दूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको YouTube के इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।